हेलो दोस्तों, आज हम जिस ऑथर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो शेक्सपियर से भी ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि शेक्सपियर को तो मरने के बाद ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, बट चार्ल्स डिकेंस को तो जीते जी ही ज़बरदस्त सक्सेस मिल गई थी। तो आखिर क्या है चार्ल्स डिकेंस की अर्ली लाइफ, फैमिली लाइफ क्या रही थी, अपना करियर कैसे बनाया इस फील्ड में, कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी है, और आखिर में उसने ऐसा क्या डिवाइस यूज़ किया है जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें इतना याद करते। तो आइए जानते हैं उनके बारे में इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उनका जन्म हुआ था 1812 में और डेथ हुई थी 1870 में। फुल नेम था चार्ल्स जॉन फॉर्म डिकन्स। बर्थ प्लेस है सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में, और पहले से ही बचपन से ही उन्हें लिटरेचर में इंटरेस्ट था। अगर बात करें फैमिली लाइफ की तो उनके फादर का नाम था जॉन डिकन्स और मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकन्स। अगर बात करें लाइफ पार्टनर की तो ये मारिया बेडनेल और नेली टर्नन, दोनों में से किसी के भी साथ उनकी शादी नहीं होती है। उनकी शादी तो आखिर में होती है कैथरीन नाम की एक यंग लेडी के साथ। जब उनकी शादी कैथरीन से हो जाती है, फिर शादी के बाद ये जो कैथरीन की छोटी बहन थी 17 साल की थी, उनका नाम था मेरी, तो उसके साथ डिकन्स को इंटरेस्ट बढ़ जाता है, प्यार हो जाता है, बट वो भी अनसक्सेसफुल रहता है क्योंकि ये मेरी है वो थोड़े ही दिन में मर जाती है। और कई दिनों के बाद भी डिकन्स शौक में रहे थे, कुछ भी लिखा नहीं था उन्होंने। उनके टोटल 8 चिल्ड्रन थे, बट उन्हें सबसे प्यारा कोई चाइल्ड हो तो वो है 8वां चिल्ड्रन, क्योंकि जब उन इस 8वें चिल्ड्रन का जन्म होता है और नाम रखने की बात आती है तो डिकन्स ने सोचा था कि इसका नाम ओलिवर गोल्डस्मिथ रखा जाए। फिर उसने सोचा कि ओलिवर ट्विस्ट तो उन्होंने लिख रखी है, शायद ऐसा बन जाए कि ये उनके चाइल्ड है या फिर ओलिवर ट्विस्ट है उनका मजाक बन जाए। तो इसलिए फिर उसने आखिर में डिसीजन ले लिया कि अपने फेवरेट ऑथर थे हेनरी फील्डिंग, उनके नाम पर से वो अपने बेटे का नाम रखेंगे, और आखिर में हेनरी फील्डिंग डिकन्स रखते हैं। ये हेनरी फील्डिंग डिकन्स अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होता है। अगर बात करें उनके करियर की तो वह सीधे ही लिटरेचर के फील्ड में नहीं आए थे। पहले उन्होंने 20 साल की उम्र में 1830 में ये सोच रखा था कि कुछ ऐसा बनेंगे जिससे पूरी दुनिया उन्हें याद करेंगे, इन शॉर्ट पूरी दुनिया में उन्हें फेमस होना है। बट अभी ये डिसाइड नहीं था, ये श्योर नहीं था कि वो क्या बनेंगे, लिटरेचर के फील्ड में आएंगे या फिर किसी और फील्ड में जाएंगे। फिर वो थिएटर ऑडिशन के लिए जाते हैं, कई देर तक राह भी देखते हैं अपने ऑडिशन की। जब फाइनली उनकी बारी आने ही वाली होती है उस दौरान उन्हें कॉल्ड हो जाती है, ऑडिशन भी मिस कर देते हैं, फिर वापस घर लौटाते हैं। फिर उनके जो अंकल थे उन्होंने फोर्स किया ये जर्नलिज्म के फील्ड में जाने के लिए। वो जर्नलिज्म में जाते हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी पहचान होती है, उठना बैठना उनके साथ बढ़ जाता है। उस दौरान उन्हें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज होगार, उनके साथ दोस्ती थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनके पीछे भी डिकन्स का थोड़ा सा स्वार्थ था, क्योंकि ये जो जॉर्ज होगार है उनकी दोस्ती या फिर पहचान एक ऐसे इंसान के साथ थी जिसे डिकन्स अपना हीरो मानते थे। तो उसी वजह से अपने हीरो से मिलने के लिए ये जॉर्ज होगार के साथ उन्होंने दोस्ती बढ़ा दी। फिर तो कई सारे बड़े बड़े राइटर्स थे, कई सारे नॉवेलिस्ट थे, अच्छे अच्छे करियर बनाने वाले जो लेखक थे उन सभी के साथ उनकी मुलाकात होने लगती है। अब उस दौरान ही उसे अपनी फाइनल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। होता क्या है, चैपमैन एंड हॉल नाम की एक संस्था से उन्हें एक ऑफर आती है लिखने के लिए, क्योंकि ये जो रॉबर्ट सेमूर थे वो ये चैपमैन एंड हॉल में लेटर प्रेस लिखते थे। अब रॉबर्ट सेमूर ने तो सुसाइड कर लिया, तो वो एक राइटर ढूंढ ही रहे थे। तब जाके उन्हें डिकन्स मिल गए और डिकन्स ने लिखना शुरू किया। शुरुआत में तो किसी को पता नहीं था कि ये रॉबर्ट सेमूर के मरने के बाद डिकन्स ने लिखना शुरू किया, इसलिए इतनी सारी वो लेटर प्रेस की कॉपी नहीं बिक रही थी। बट जब पता चला फाइनली कि डिकन्स लिख रहे हैं तो वो लेटर प्रेस का लास्ट एपिसोड आते आते पूरी 40,000 कॉपियाँ बिक चुकी थी 1836 से लेकर 1837 तक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि डिकन्स की कोई पहली ही सक्सेसफुल क्रिएशन हो तो वो है पिकविक पेपर्स। और ये पिकविक पेपर्स को तो उस समय खुद क्वीन विक्टोरिया है वो भी रात को पढ़ती थी और दूसरे लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कस करती थी। अब आप सोचिए कि कैसी रही होगी ये पिकविक पेपर्स कि खुद विक्टोरिया इसे पढ़ती थी। अब तो ये डिसाइड था कि मुझे करियर बनाना है तो लिटरेचर में ही, इसलिए एक के बाद एक उन्होंने अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखना शुरू किया। फिर तो ओलिवर ट्विस्ट लिखी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी लिखी, और दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल रही और
खुद को फेमस बनाने में भी सक्सेसफुल रही है, क्योंकि इन दोनों में अर्ली एज में लंदन की कंडीशन क्या थी वो बताया गया था, और इतनी अच्छी स्टाइल में ये दोनों लिखी गई थी कि सभी लोगों के मन में एक जगह बना ली। शायद आप जानते होंगे कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के लिए भी डिकेंस जाने जाते हैं, जो कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, और लियो टॉल्स्टॉय ने भी, आप सोचिए कि कितने बड़े फिलोसोफर हैं लियो टॉल्स्टॉय, कितने बड़े स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने भी डिकेंस के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। लेकिन जैसे कोई प्रशंसा करने वाला, प्रेज करने वाला होता है कोई व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का, तो वैसे ही कोई बुराई करने वाला भी होता है। तो यहाँ थे वर्जीनिया वुल्फ, ऑस्कर वाइल्ड और हेनरी जेम्स, ऐसे क्रिटिसाइजर थे जिसने बुरी कमेंट की, कहा कि डिकेंस जो भी कुछ स्टोरी लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, उनमें सिर्फ उनका प्लॉट अच्छा होता है, कोई साइकोलॉजिकल गहराई नहीं होती है, लोगों को सिर्फ फूल बनाते रहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी गलत चलत जो हकीकत में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल थिंग होती है वो दिखाती है। अगर बात करें कि डिकेंस को आखिर अपने फील्ड में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन किससे मिली थी, किसके फूट स्टेप उन्होंने फॉलो किए थे, तो टोबियस स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, अरेबियन नाइट्स और रॉबिन्सन क्रूज, ये सभी को उन्होंने पढ़ रखा था, और ये सभी का प्रभाव सीधा ही अपने लिटरेचर पर पड़ता है। ऐसा हम अगर इसकी स्टोरियाँ पढ़े, नॉवेल्स पढ़े उनकी, तो हमें ख्याल आता है। 22 जनवरी 1842 में अपनी वाइफ के साथ वो पहली बार यूएस विजिट पर जाते हैं, जहाँ न्यूयॉर्क में पूरा एक महीना बिताते हैं, जहाँ तभी एक टॉपिक था बड़े ही डिस्कस में था, और वो टॉपिक का नाम था इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ। तो उन पर भी ये डिकन्स है, उन्होंने स्पीच दी थी, अच्छी खासी स्पीच थी, लोगों ने कई सारी तालियां बजाई थी, और लोगों के मन में वहाँ भी अपनी जगह बना ली थी। फिर वो कनाडा गए, फिर उसके बाद तो पेरिस वापस आ गए थे, और क्रिसमस कैरोल पर काम करना शुरू किया, और क्रिसमस कैरोल लिखी गई थी 1843 में। फिर वो इटाली भी गए थे, स्विट्ज़रलैंड गए, फिर आखिर में फ्रांस में उन्होंने एक स्पीच दी, जहाँ उन्होंने कहा द फर्स्ट पीपल इन यूनिवर्स, ऐसा कहा था। उसी दौरान उन्होंने अपनी जानी मानी नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड लिखा था। दोस्तों, ये डेविड कॉपरफील्ड, ये नॉवेल थी, उनकी खास बात क्या है पता है? ये डेविड कॉपरफील्ड में ये जो मारिया बेडनिल थी, उनका फर्स्ट लव 1830 में, जिसके साथ उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो उसी का कैरेक्टर उन्होंने ये नॉवेल में सेट किया है एज अ डोरा। डोरा का कैरेक्टर है वो मारिया बेडनिल के साथ कंपेयर किया गया है। मारिया बेडनिल की जितनी भी खासियत थी वही उन्होंने डोरा के लिए लिखी है। फिर 1851 में वो ब्लीक हाउस एंड हार्ड टाइम्स लिखते हैं, और एक दूसरी घटना बनती है उनके लाइफ की एक इम्पोर्टेंट, जहाँ उसकी मुलाकात होती है नेली टंडन से। ये नेली टंडन थी कौन? नेली टंडन थी एक एक्ट्रेस जो सिलेक्ट होती है डिकन्स के एक नॉवेल के लिए, और थोड़े ही दिन में डिकन्स को इससे प्यार हो जाता है, नेली टंडन से, और आखिर में तो 54 की एज में उन्होंने ये सोच रखा था कि 18 साल की ये लड़की है नेली टंडन, उनके साथ वो शादी करेंगे, और कैथरीन को भी छोड़ दिया था। फिर कई जगह दोनों घूमे थे, खूब एंजॉय किया। फिर 1859 में अपनी जानी मानी क्रिएशन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखते हैं। फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी 1861 में लिखते हैं। अब क्या होता है, 9 जून 1865 में वो नेली के साथ ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान ट्रेन क्रैश हो जाती है, कई सारे लोगों को इजा भी होती है, कई सारे लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि डिकेंस को कुछ नहीं हुआ था। उस दौरान उनके म्यूचुअल फ्रेंड नाम की एक क्रिएशन थी, उसका काम चल रहा था, जो उनकी लास्ट पुस्तक है। और यही घटना के बाद वो ट्रेन में ट्रैवलिंग करने से डरते थे, और फिर वो यूएस गए, कई सारे पब्लिशर से मिले, आखिर में 1817 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके लास्ट वर्ड थे अंडरग्राउंड। अब जानते हैं वो किस ट्रेडिशन से जाने जाते हैं। डिकन्स मेलोड्रामा और पिकारेस्क्यू नॉवेल ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, और अब उनके फेवरेट ऑथर हेनरी फील्डिंग, जो कि नॉवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी लिखते थे, उसी ट्रेडिशन को डिकन्स ने भी फॉलो किया। फिर लॉरेंस टन, हेनरी फील्डिंग और टोबियस स्मॉलेट के ट्रेडिशन को भी डिकन्स ने फॉलो किया था। और ये जो मेलोड्रामा ट्रेडिशन है वो उनकी डेथ के बाद ज़्यादा फेमस हो गया,
वर्जीनिया वुल्फ, जो कि जीते जी बुरी कमेंट कर रही थी, उसने कमेंट की थी उसके डेथ के बाद कि हमें अपनी साइकोलॉजी की जियोग्राफी को फिर से रीमेड करना पड़ेगा या फिर तैयार करना पड़ेगा अगर हम डिकन्स को पढ़ते हैं, डिकन्स को स्टडी करते हैं। डिकन्स जाने माने ऑथर तो है, साथ ही साथ उनकी एक खासियत है कि वो अपनी क्रिएशंस में ऑटोग्राफिकल एलिमेंट्स, यानी कि रियल लाइफ में उनके साथ जो होता था वो कुछ कुछ एलिमेंट्स अपनी स्टोरीज में, नॉवेल्स में भी वो ऐड करते थे और चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को भी वो ऐड करते थे। दोस्तों ये थी उनकी बायोग्राफी। अगर बात करें उनके बारे में लिखी गई कोई बुक की, तो उनका दोस्त था जॉन फॉरेस्टर, जो कि उनका लिटरेरी एडवाइज़र भी था, उन्होंने द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकन्स बुक लिखी है उनके बारे में। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।